उनमें संसमाज धर्म के सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, जीवन में सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उनके गुरु होते हैं। माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खिलाते हैं पिलाते हैं, हर क्रियाकलाप सिखाते हैं। बच्चे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ करके माँ बाप के पदकमलों पे चढ़ने का प्रयास करता है। कुछ उम्र हो जाने के बाद में उसकी दूसरी पढ़ाई होती है, वो होती है स्कूल की पढ़ाई। माँ बाप ने चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की हमको स्कूली पढ़ाई होती है, जहाँ ज्ञान अर्जन होता है, जिस ज्ञान को अर्जन कर लेने के बाद में, जिस कला और कौशल को अर्जन कर लेने के बाद में हमारे जीवन में भौतिक विकास होता है। यदि स्कूली पढ़ाई नहीं है तो भौतिक विकास में बहुत ही रुकावट होती है। स्कूली पढ़ाई स्कूल के टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो देते हैं। स्कूली पढ़ाई हो जाने के बाद यदि योग्यता सही है, हमने अच्छा ढंग से पढ़ाई किया, तन मन को लगाया, तो हमारी योग्यता अच्छी है तो हमको एक अच्छे जगह स्थान मिलता है। माँ बाप के पढ़ाने से, माँ बाप के योग्य बनाने से हम इंसान बड़े हो जाते हैं। स्कूल में पढ़ाने से हम एक अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके अनुसार से हमको पद मिलता है। जिस ज्ञान को पाने से हम धन अर्जन कर सकते हैं, स्कूली ज्ञान से हमको कला कौशल मिलता है, धन अर्जन करने की कलाएं मिलती हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए इन विषयों पर बहुत कम स्कूलों में बताया जाता है। और जहां तक मैं समझता हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि जीवन है तो वो है अध्यात्म का जीवन, जिसे कोई स्कूल के गुरु नहीं, माँ बाप नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो बताते हैं। वह गुरु नहीं जो सफेद कपड़ा में पहना, वो गुरु नहीं हो सकता। कोई सन्यासी कलर में हो वो गुरु हो, ऐसा नहीं काला वस्त्र में वो गुरु हो, ऐसी बात नहीं। गुरु वह है जो हमारे जीवन का उद्धार करते हैं, हमको सही मार्ग पर ले जाते हैं, वह गुरु है। गुरु वह है जैसे एक पत्थर, एक मूर्तिकार एक पत्थर को लेता है और पत्थर को छीलता जाता है, छीलता जाता है, और एक दिन उस पत्थर का सुंदर रूप दे देता है, वह गुरु है। आपने देखे होंगे बहुत से पत्थर होते हैं, जिस सिंपल एक पत्थर दिखाई देता है, लोग उसे पैरों से कुचल करके आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर किसी शिल्पीकार के हाथ में लगते ही वो पत्थर का ढंग बदल जाता है, पत्थर का सौंदर्य बदल जाता है। वह पत्थर जिसे हम कुचल करके चलते थे, वह पत्थर नहीं, वह भगवान का स्वरूप हो जाता है। और वो योग्यता हर पत्थर के अंदर है। कुछ पत्थर कमजोर होते हैं, जो कि छीनी और हथौड़ी का चोट सह करके टूट करके बिखर जाते हैं, और कुछ पत्थर मजबूत होते हैं, जो छीनी और हथौड़ी का चोट सह करके वो सहते जाते हैं, सहते जाते हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि सुंदर रूप दिखाई देता है और जिसे हम भगवान समझ करके पूजते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। यदि हमने अनुकूलता और प्रतिकूलता में विचलित हुआ, पढ़ाई के जीवन में हमने धैर्यता से पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई में लगन नहीं रहा, मन में रुकावटें आई, समझ नहीं पाए, पढ़ने से घबराए, पढ़ने से भागे, तो वह हम वैसे होंगे कैसे, जैसे टूटे हुए पत्थर की तरह। यदि हमने सही ढंग से पढ़ाई किया, पढ़ाई का महत्व समझा, तो टूटे पत्थर की तरह नहीं होंगे, बल्कि
वह पत्थर की तरह होंगे जिसे हम पूजते हैं, भगवान समझते हैं। हर व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, आदमी भगवान बन सकता है। हर व्यक्ति के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर वो एक हुनर पैदा होता है, जो कि आज हम जिसे एक साधारण से विद्यार्थी स्टूडेंट कहते हैं, वही आदमी एक दिन यहाँ का पीएम बन सकता है, वही आदमी इस दुनिया को चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस दिशा सही हो। और इसके लिए दिशा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान में हर स्टूडेंट को वहां ध्यान कराया जाता है। जापान में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, जितने भी जगह वहां पढ़ाई होती है, वहां ध्यान कराए जाते हैं, ध्यान का महत्व तो समझाया जाता है। आज हर स्कूलों में और हर माँ बाप, इंडिया की स्थिति यह है, आदमी अपने बच्चे को योग्य बनाना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं, और क्या बनाते हैं अंतिम पता है? बच्चे को इतना योग्य बनाना चाहते हैं कि उसको पैसा कमाने कैसा आए, बस यही एक कला सिखाई जाती है। किस तरह योग्य बने, कैसे अच्छे पद में पहुंचे और जितना अधिक से अधिक पैसा कमा सके, वह योग्यता स्कूलों में और माँ बाप बच्चे के अंदर भर देते हैं, और वो आज भारत को मिल रहा है, पैसा खूब कमा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आदमी को इंसान बनाने की कला नहीं सिखाई जाती है। पैसा तो कमाया लेकिन जीवन जीने की कला नहीं कमाया, तो माँ बाप से लड़ते हैं, बच्चे घर में जाते हैं, माँ बाप की शिकायत करते हैं, माँ बाप के साथ सभ्यता से बर्ताव नहीं करते हैं, तो वो कला फिर बेकार चली जाती है। हम कितना भी पैसा कमाए और जीवन में आपस में प्रेम ना हो। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट लाइफ बेटर लाइफ, सबसे अच्छा लाइफ होता है, और आज आप सबको ही मिला है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं ये चीज तो नहीं कह सकता कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सबको अच्छी नौकरी मिलेगी, ये बात तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सबके सब यदि चाहे तो अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। एक जगह छत्तीसगढ़ की बात है, एक जगह एक टीचर पढ़ाते थे, आज से लगभग 8 साल पहले की बात है, हम लोग इलाहाबाद में रहते थे और छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम में गए थे, जैसे आपके यहाँ आए वैसे वैसे ही प्रोग्राम में गए थे। तो एक जगह एक टीचर ने संकल्प लिया कि अब मुझे संतों के साथ रहना है, और इलाहाबाद आने की उनकी पूर्व तैयारी थी, तैयारी की पूर्व उनके स्कूल में उसको विदाई समारोह के रूप में प्रोग्राम रखा गया। विदाई समारोह था, प्रोग्राम था, सभी स्टूडेंट बोल रहे थे, सर से मैंने बहुत कुछ कलाई सीखी, मुझे किसी ने कहा जज बनना है, किसी ने कहा टीचर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, सभी स्टूडेंट बोल रहे थे एक एक करके। अंत में एक स्टूडेंट ने बोला, मैंने सर से बहुत सारी बातें सीखी, पर मेरे पास योग्यता हो या ना हो, पता नहीं मैं टीचर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, इंजीनियर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन सर से मैंने यही सीखा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ये निश्चित ही संकल्प लेता हूँ, और एक अच्छे इंसानियत के काबिल हूँ। ये चीज उन्होंने कहा। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आपके अंदर वो योग्यता हो या ना हो ये चीज नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता है जो आप अपने घर में जाकर के माँ बाप के साथ प्यार से जिंदगी जी सकते हैं। आपके अंदर वो योग्यता है, आप घर में जहां भी रहेंगे, आपके पड़ोसी के बीच में, परिवार वालों के बीच में, सगा संबंधी के बीच में, आप जब जिस घर में जाएंगे आपके नाम जरूर लेंगे, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो बड़े बच्चे बड़े संस्कारी है। यदि ये संस्कार आप अर्जित करना चाहते हैं, हम कई घरों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बैठते हैं, जीवन के महत्व को समझते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इन बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, असली भगवान यदि कोई है तो असली भगवान माता पिता शिक्षक गुरुजन संत जन है। यदि आप इन भगवान की पूजा करते हैं, इन भगवान की आराधना करते हैं,
तो आपका जीवन बदल सकता है। शुरुआत आप अपने से करेंगे। जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब लोग एक सीरियल एक क्रम में अपना जीवन शुरुआत करें। और सबसे पहले मैं एक फर्स्ट निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने लोग बैठे हैं, जैसे ही आप घर में उठते हैं, घर उठने के बाद में सबसे पहले आपके यहाँ जितने भी आपसे सीनियर है, बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भैया है, जो भी हो आपके यहाँ आपसे सीनियर, सबसे प्रथम आप सबसे पहले चरण स्पर्श करिए। याद आ गई चरण स्पर्श की बात आई तो कुछ साल पहले की बात है, सदगुरु अभिलाष जी थे, उनके पास एक स्टूडेंट आकर के बैठे, बहुत सारे चर्चाएं चली। चर्चा चलते चलते दयानंद गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा तुम मंदिर जाते हो? बड़े गर्व के साथ स्टूडेंट कहता है, हाँ गुरुदेव मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान का आराधना करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, पूजा करता हूँ। इतना में गुरुदेव जी पूछते हैं, क्या भगवान का प्रणाम करते हो? गुरुदेव जी, जब मैं आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो प्रणाम तो जरूर करूंगा। गुरुदेव जी कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। इतना में फिर एक प्रश्न पूछ पड़ते हैं गुरुदेव जी, क्या बेटा तुम अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते हो? स्टूडेंट का सर झुक जाता है। गुरुदेव जी फिर पूछते हैं, क्या तुम अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते हो? बच्चे कहते हैं, मैं नहीं करता। क्यों? शर्म आती है। सोचिए, जिन्होंने हमको बनाया, जिन्होंने हमको पैदा किया, उनका चरण स्पर्श करने में शर्म आती है। और जिनको हमने बनाया, किसको हमने बनाया? भगवान को हमने बनाया, उसका चरण स्पर्श करने में शर्म नहीं आती। चरण स्पर्श दोनों की करें, लेकिन माँ बाप का चरण स्पर्श ज्यादा महत्वपूर्ण है एक भगवान के मंदिर और एक मस्जिद में जाकर के माथा टेकने के अलावा। यदि आप मंदिर और मस्जिद में जाकर के माथा टेकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन माथा टेकने से वो मंदिर और मस्जिद में आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है। इतना याद रखिएगा, आशीर्वाद नहीं मिलता है। आपकी भावनाएं वहां सलामत करती है, आपकी भावनाएं वहां सलाम करती है, लेकिन आप प्यारे बच्चों निश्चित ही जान के जानिए कि यदि आप अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हैं, तो वो साक्षात भगवान है, जरूर अपना हाथ उठा करके प्यार से आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा, मस्त पढ़ाई करो। इसका चरण स्पर्श जरूरी है। वो माँ बाप है जो गीले कपड़े पहन करके रह जाते हैं, फटे कुचेले कपड़े पहन करके रह जाते हैं, आपके लिए एक अच्छे कपड़ा देते हैं। वो माँ बाप है जो कि 500 रुपए के मोबाइल, आप समझते हैं, 500 रुपए के मोबाइल पकड़ते हैं और कीपैड मोबाइल, लेकिन आज अपने वो माँ बाप अपने बच्चे को 500 नहीं 10,000 15,000 के मोबाइल देते हैं। वो माँ बाप है जो खुद पैदल चलते हैं, साइकिलों में चलते हैं और अपने बच्चे को स्पेशल गाड़ी देते हैं। क्या आप अपने माँ बाप के इतनी बदले इतने कर्ज सह पाएंगे? आप इसका कर्ज का बदला चुका पाएंगे? आप कर्ज का बदला चुकाने के मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी पर ही जाएंगे तब बदला चुकेगा। आज भारत देश का दुर्भाग्य है कि वृद्ध आश्रम बढ़ता चला जा रहा है। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी सीमा बहुत आगे चलती जा रही है। जिन माँ बाप ने हमको योग्य बनाया, वो माँ बाप को एक वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, उनसे प्यार से बात नहीं कर पाते। एक वृद्ध आश्रम में एक बुढ़िया माँ रहती थी, एक उनका बेटा अच्छे पोस्ट पर था, हर महीने बुढ़िया माँ के पास में पैसा भेज दिया करता था। अंतिम की अवस्था थी, बुढ़ापा की अवस्था थी, जर्जरता की अवस्था थी। अंतिम में अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा मेरी अंतिम स्थिति है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आ जाना एक दिन। एक मैसेज किया, दो मैसेज किया, नहीं पहुंच पाया। जब पहुंचा
जब उसका शरीरांत हो गया था तब उन्होंने एक पत्र लिखा था अंतिम में, और मरते समय उन्होंने अपने बूढ़ा वृद्ध आश्रम के संचालक को दे दिए और उन्होंने कहा जब मेरे बेटे आए तो ये पत्र उनको जरूर दे देना। बुढ़िया माँ उस पत्र में लिखी थी, बेटा जो तुमने पैसा भेजा था वह पैसा रोज रोज हर महीने भेजते थे, उस पैसा को मैं जैसे कहता था कलेक्शन करके रखा हूँ, तुम्हारा पैसा जेब करके वो रखा हुआ है, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए था बेटा, मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार चाहिए था, पैसे की जरूरत मुझे नहीं थी। अरे तुम्हारा पैसा तुम ले जाना, तुमने जितना पैसा भेजा था वो पैसा तुमको वापिस लौटाती हूँ, मुझे बस प्यार चाहिए था। आदमी प्यार का भूखा होता है, पैसा का भूखा नहीं होता है। यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं मम्मी पापा से प्यार से बात नहीं करते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? विद्या अर्जन करते हैं। ये विद्या दो कौड़ी की है। यदि आपने इस विद्या के समस्त इस विद्या में शिष्टाचार नहीं है आपकी विद्या में, प्यारे बच्चों बीच में एक बात और कह दूं, जीवन की शुरुआत अपने से होती है। मैंने पहले कहा पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करिए। दूसरी बात, आप जीवन में कभी दुर्व्यसन मत करिए, जीवन को बदलने का एक साधन है। मैं आपको आत्मा परमात्मा की बात नहीं कह रहा हूँ, मोक्ष शांति की बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान की बात नहीं कह रहा हूँ, आपके जीवन में जो घटती है, आपके जीवन में जो होना चाहिए वो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। आपके जीवन में कोई भी दुर्व्यसन ना हो, ये चीज आप याद रखिए। दुर्व्यसन उसे कहते हैं जिसको करने के बाद में तन और मन खराब हो, कोई भी नशा ना हो जीवन में, आपका जीवन एकदम एक्टिव हो, हर समय आप एक्टिव रहे, हर समय। हो सकता है आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक्टिव पॉइंट हमेशा बने रहे, हमेशा आप स्फूर्त रहे। हो सकता है आपका कैचिंग पावर कमजोर हो, कोई बात नहीं, आप हताश मत होइए। आपको एक और चीज बताऊं मैं, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, 5-6 साल के बच्चों के पास अब इतनी योग्यता आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तुरंत उत्तर दे पाते हैं। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप इसको दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। यदि आपको यहां से घर की ओर जाना है तो आप अपने घर की ओर ही जाएंगे, उसी दिशा में जाएंगे जिधर आपका घर पड़ता है, आप उधर नहीं जाएंगे जिधर आपका घर नहीं पड़ता है। आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका घर, आपकी दिशा उधर होगी, आपके पैर उधर ही आगे बढ़ेंगे। जैसी दिशा होती है वैसे आपने जीवन एक संकल्प लिया है कि मुझे शिक्षक बनना है, या इंजीनियर बनना है, या और कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप उसी की पढ़ाई करेंगे और वो लक्ष्य आपको उधर खींचता चला जाएगा। यदि आपने लक्ष्य तय नहीं किया है, यदि आप यहाँ से निकलते हैं आपका लक्ष्य तय नहीं है कि आपको घर जाना है कि कहाँ जाना है, तो क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे, कोई लक्ष्य ही नहीं है, दाएं जाएंगे कि बायां जाएंगे, कोई लक्ष्य नहीं है। आप रास्ते में चलते हैं 100 कदम राइट की ओर जाते हैं, फिर 100 कदम लेफ्ट की ओर, फिर 100 कदम राइट की ओर, फिर 100 कदम लेफ्ट की ओर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके सामने टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है। यदि लक्ष्य सामने है तो आप निश्चित ही एक बाई एक कदम बढ़ाते आगे चले जाएंगे, इसलिए लक्ष्य सामने रखें। दूसरी बात, आप जो बनना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, जो बनना चाहते हैं आप एक कागज और कलम लीजिए और कलम और कागज लेकर के एक सुंदर अक्षरों से, प्यारे से अक्षरों से, मोटा अक्षरों में उसको लिखिए, मुझे यह बनना है, मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छे योग्य व्यक्ति बनना है। आप ये चीज अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए, एक सुंदर कागज में लिखिए,
कि मुझे यह बनना है। रही बात ये कि मैंने यह कागज तो लिख दिया लेकिन लोग देखेंगे और नहीं बन पाया तो लोग हंसेंगे, आपके अंदर एक थोड़ा संकोच हो सकता है। इसका समाधान ये है, आप उस कागज को वहां पर रखें। यदि आपके पास योग्यता है, आप तेज हैं, एक्टिव है, तो आप उस निशाने को भेद सकते हैं। आपके लिए डर और शर्म की बात नहीं है। यदि आपके पास समर्पण है, आपके पास संकल्प है, आपके पास त्याग है, आपके पास वीरता है, तो आप उसको भेद सकते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मतलब बनना है। जिस किसी प्रकार से आप पढ़ाए उतना ही तत्पर होंगे। और यदि यह योग्यता नहीं है, थोड़ा डर है अपने अंदर, तो उस कागज को कहीं ऐसे जगह रखिए जहां आप रोज 100 बार देख सके। यदि आप उस कागज को ऐसे जगह रखते हैं कि मुझे कोई भी देख ले, मुझे यह बन करके दिखाना है, तो आप उस कागज को आप स्पेशल ऐसे जगह रखें जिस कमरे पे आप रहते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं। यदि आपके पास टेबल है तो टेबल में रखिए शीशा के नीचे दबाकर। टेबल नहीं है तो जहां आप बैठते हैं वहां दीवार में चिपका दीजिए कि मुझे यह बनना है। एक नियम बना लीजिए कि मुझे यह बनना है और इस बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, वह सब कुछ करें। वह कागज को आपको कहां रखना है, आपके ऊपर। आपके पास योग्यता है तो आप अपने घर के माँ बाप को, घर के बुजुर्गों को, भैया को, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, सबको कहिए मुझे ये व्यक्ति बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और इसके लिए मुझे आप लोग सुबह 4 बजे उठा लेना या मुझे कुछ बताना, कुछ भी। ये चीज अपने घर वाले को बताइए। और लगता है कि लोग क्या सोचेंगे तो यह कागज छिपा कर रखें और रोज उसको देखिए। जितना बार आप पुस्तक पलटेंगे, जैसे ही कागज एक पेज पलटते हैं, वैसे ही वह लिखा हुआ शब्द दिखाई देना चाहिए। मुझे एक सर्वप्रथम वाक्य रखेगा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। जितने स्टूडेंट हैं सब लोग सर्वप्रथम वाक्य ये रखिएगा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या खूबियां होना चाहिए आप महसूस करिए। अच्छा इंसान क्रोध नहीं करता, अच्छा इंसान लोभ नहीं करता, अच्छा इंसान माँ बाप के साथ प्रेम से वर्ताव करते हैं, अच्छा इंसान गलत लोगों से संपर्क नहीं करते, अच्छा इंसान गलत वार्ता में अपना व्यक्त बर्बाद नहीं करते हैं। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट लाइफ, यदि आप किसी को 1 मिनट देते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप किसी को 1 मिनट देते हैं, मतलब आपने अपने जीवन का 1 मिनट उनको दे दिया, अपना जीवन का 1 मिनट दिया। टाइम बस नहीं दिया, टाइम ऑफ मैनेजमेंट, टाइम का यदि मैनेजमेंट सही ढंग से करना सीख लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। मैं शुरू में ही कहा कि आप सबके सब नौकरी में जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बन सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं यदि आपने करने का प्रयास किया। यदि आपने 5 मिनट व्यर्थ बातों में अपना टाइम लगाया, तो ये 5 मिनट टाइम व्यर्थ बातों में लगाया मतलब समझते हैं, आपने अपने जीवन का 5 मिनट बर्बाद कर दिया। सोचिए, यदि आपने मोबाइल उठाया, 1 घंटा मोबाइल में किसी से बात किया और व्यर्थ वार्ता रहा जिसका अंतिम निचोड़ कुछ भी नहीं मिलना है, मतलब आपने अपने जीवन का 1 घंटा बर्बाद कर दिया। क्या अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, अपना जीवन को तबाह करना चाहते हैं? आपकी लाइफ है, आपके लाइफ की पतन जैसे आकाश में उड़ती है, उसका डोर किसके पास होता है, नीचे रहने वाले के पास। और आप ही पतंग है, आप ही के पास डोर है, आप ही उसके संचालक है। आप जिधर अपने जीवन को ले जाते हैं, जीवन उधर ही जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट लाइफ में किसी के साथ गलत संगत ना हो। और आज की सबसे गलत संगत ज्यादा हो रही है मोबाइल का दुरुपयोग, मिसयूज और गलत लोगों से कांटेक्ट। अधिकतर स्टूडेंट 10 साल 10वीं पढ़ाई के बाद में 11वीं 12वीं से लेकर के कॉलेज तक अधिकतर स्टूडेंट का लाइफ किसमें जाता है?
हर स्टूडेंट के पास में एक मोबाइल होता है और हर स्टूडेंट मोबाइल रखते हैं और ना जाने कितने लोगों के से बात करते हैं, और लगभग लगभग 80% स्टूडेंट का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होते हैं जिसके साथ में पर डे 1-2 घंटा तबाह कर देते हैं अपनी जिंदगी का, और उसके निचोड़ में आपको कुछ नहीं मिलता है। यदि परिणाम आता है तो सिर्फ पश्चाताप और जीवन की तबाही मिलती है। आपके जीवन में कोई ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके पास अपनी सारी बातों को आप शेयर कर सके। इसके लिए कोई स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वह आपके माँ बाप हो सकते हैं, हो सकते हैं वह आपके भाई हो सकते हैं, हो सकता है आपके बहन हो सकते हैं, हो सकता है वह आपके आपके स्कूल के ही कोई स्टूडेंट हो सकते हैं। आप अपने जीवन के हर बातें को उनके पास शेयर कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के गलत बातें चर्चाएं करते करते अपना व्यक्ति बर्बाद कर दे। आज हर स्टूडेंट की यही शिकायत है, समय बर्बाद हो जाता है और जिंदगी में जो हासिल करना चाहिए, जो कामयाबी प्राप्त करना चाहिए, वह कामयाबी बिछड़ जाती है और जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। सफल व्यक्ति गलत मार्ग छोड़ देते हैं। स्टूडेंट का काम है सिर्फ सफलता की ओर बढ़ना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है आपको, सफलता की ओर बढ़ते जाना है। और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना है, मैंने कुछ सूत्रों पर चर्चा किया, आप लोग पुनः इस बातों को ध्यान देंगे। जितने बच्चे बैठे हैं सभी लोग, सबसे पहले आप लोग घर में माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। और जितने बच्चे हैं, जैसे ही आप घर स्कूल की ओर आते हैं, घर से जैसे निकलते हैं तो जरूर चरण स्पर्श करके घर से निकले, अपने माँ बाप का, अपने घर के बुजुर्गों का। यदि यह करते हैं तो आपके मन में एक पवित्र भावना अर्जित होती है। और रोज ये बातें याद रखें, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है। कौन कौन अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। जो लोग नहीं खड़ा किए हैं वो लोग नहीं बनना चाहते। आपको अच्छा व्यक्ति बनना है उसके लिए क्या करना है आप सोचिएगा, नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सभी घर में जाकर के माँ बाप का चरण स्पर्श करिए, और एक मंदिर में और मस्जिद में जाकर के माथा टेकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं लाख गुना अच्छी बात है घर में बैठे साक्षात भगवान के पास माथा टेकना। यदि आपने कहीं भूल गया मंदिर और मस्जिद में माथा टेकने, कोई बात नहीं, वहां क्षम्य है, लेकिन माँ बाप के पास माथा टेकने से भूल गए तो वहां क्षमा नहीं है। इसलिए मैंने एक खास बात कही कि आप घर में माँ बाप का चरण स्पर्श करिए और अच्छा आदमी बनने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। किसी के साथ तेज आवाज में बात नहीं करना है, घर में सबसे प्यार से बात करना है, तो उन लोगों को महसूस हो कि वास्तव में हमारे बच्चे आज कुछ नए लोगों से मुलाकात करके आए हैं। मैंने कुछ देर तक अपनी बात रखी।